अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फ्यूचर पेयरिंग लैब की जानिब से आपका दोस्त आपका भाई आज़म अली एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ है। तो दोस्तों आज हमारे पास ये नोकिया 1200 जो है वो पूरा जो मॉडल आया है, तो इसमें मसला पहले मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये वाली लाइनें जो है वर्क कर रही हैं, तो ये 2 वाला 5 वाला 8 वाला 0 वाला ये वर्क नहीं कर रहा इसमें। तो दोस्तों आज मैं आपको इसकी इजी ट्रिक जो है वो बताऊंगा कि 1 जंपर से आप इसे कैसे इस लाइन को पूरी को वर्किंग में ला सकते हैं। तो दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि हमें आईसी को जो है वो जंपर करना पड़ता है, फुल आईसी को, तो एक भी जो लाइन गायब होती है हम देखते हैं इसका जो है वो यूट्यूब वगैरह से, तो पूरा आईसी जंपर करने कहते हैं। तो मैं आपको सिर्फ इजी जो है 1 जंपर से इन्हें जो है वो ठीक करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप मोबाइल फ्लैशिंग का काम सीखना चाहते हैं या मोबाइल जो है वो रिपेयरिंग का काम सीखना चाहते हैं, आईसी को उठाने लगाने का, डेड मोबाइल रिपेयर करने का काम जो है वो सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल फ्यूचर रिपेयरिंग लैब को सब्सक्राइब कर लें और जो 7 घंटे का जो बेल आइकॉन है इस पर लाजमी क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आपके पास जो है पहुँच सके। तो दोस्तों चलते हैं हम अपनी वीडियो को जो है वो आगे बढ़ाते हो काम शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसका जो कीपैड आईसी है वो ये वाला है, तो अभी हमारी ये वाली लाइन नहीं वर्क कर रही, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से जो है इसका ये आपको 3 पॉइंट नज़र आ रहे हैं, इनके आगे फिर आपको 1 पॉइंट छोड़कर आगे दरमियान वाला है, इसको भी छोड़कर और इसको भी छोड़कर ये दरमियान वाले पॉइंट से आपने जंपर निकालना है और निकाल के आपने यहाँ पर जो है वो लगा देना है। तो अभी मैं आपको लगा के चेक करवाता हूँ। तो मैं आपको चेक करवा देता हूँ, ये 2 ये 3 ये वाली लाइन जो थी वर्क नहीं कर रही थी, तो मैं आपको अभी जो है वो की पैड चेक करवा देता हूँ, 2 वाला 5 वाला 8 वाला 0 वाला। तो दोस्तों हमारा मोबाइल जो है वो की पैड इसका फुल वर्किंग में है। तो दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का लाजमी इजहार क्या करें, कोई टॉपिक जो है वो बताया करें कि इस पर वीडियो बनाओ भाई, रिपेयरिंग के रिलेटेड, सॉफ्टवेयर के रिलेटेड। तो दोस्तों दुआओं में आपने याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।